ऋषिवर हनुमान जी पवन पुत्र, पांच दियों को एक साथ बुझाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, किंतु वो जानते थे कि वो दिए कोई साधारण दिए नहीं, अपितु उनकी रक्षा अवश्य ही देवी पातालिका कर रही। तो क्या इसीलिए अही राहुल प्रतिदिन देवी पातालिका की नियम पूर्वक आराधना किया करता था? हाँ ऋषिवर, इसलिए हनुमान जी देवी पातालिका की अनुमति के बिना उन दियों को नहीं बुझा सकते थे। माते, कुछ ही क्षणों में यह समाचार आ जाएगा, अहिर रावण ने उस वनवासी राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा दी है और उसके पश्चात सीता सहित संपूर्ण वानर सेना रावण के सम्मुख अपनी पराजय स्वीकार कर लेगी। हे देवी पाताली, मैं आपकी अनुमति के बिना अहे रावण का अंत नहीं कर सकता, मुझे दर्शन दीजिए। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं कब से आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अहि रावण ने मेरी तामसिक पूजा कर मेरी भक्ति का अपमान किया है, इसीलिए मैं स्वयं चाहती हूँ कि आप उसका वध करें। मैं आपकी अनुमति पाकर धन्य हो गया माता। अब उस सही रावण को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। एवं अस्तु। पुत्र, आज तुमने मेरा स्वप्न साकार किया है। उस राम और लक्ष्मण का वध होते ही इस संसार में सदा सदा के लिए असुर साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। कैसी माता है आप? आपके पुत्र कुंभकर्ण और मेरे पुत्र अक्षय और मेघनाथ का अंत हो गया, उनका वध कर दिया गया। असुर कुल के अधिकतर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु महाविनाश को रोकने के स्थान पर आप मृत्यु को आमंत्रित कर रही हैं। मंदोदरी, अपने भीतर के भय को त्यागो, अब किसी असुर की नहीं उस वनवासी राम और लक्ष्मण की मृत्यु होगी। हनुमान, अच्छा हुआ कि तुम स्वयं यहां पर आ गए। अब तुम्हारे प्रभु के साथ साथ मैं तुम्हारी भी बलि एक साथ ही चढ़ाऊंगा। जय पाताल निवासिनी। तुम्हारे जैसे अधर्मियों का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम ने अनेक अंश अवतार लिए हैं। अब वही अंश अवतार तुम्हारा अंत करेंगे। हे संसार के पांच महाभूत, हे उत्तर दिशा के रक्षक वराह, प्रकट हो। हे दक्षिण दिशा के रक्षक नरसिंह, प्रकट हो। हे पश्चिम दिशा के रक्षक हयग्रीव, प्रकट हो। हे आकाश दिशा के रक्षक गरुड़, प्रकट हो। हे नारायण के
अंश अवतारों, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे धारण करें। जय श्री राम। ये कैसी माया है, ये कौन सा रूप है तुम्हारा? अरे रावण, मैं जानता हूं कि तुम्हारे प्राण इन पांच दियों में सुरक्षित हैं। किंतु आप, मैं उन्हें एक साथ बुझाकर तुम्हारा अंत कर दूंगा। संभव है ये? कदापि नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। अहि रावण, तुम्हें जीवन देने वाली तुम्हारी मायावी शक्तियों का तो अंत हो चुका है, अब तुम्हारा अंत होगा। यह कथा है सुंदर सुंदर कांडधार की, श्री राम भक्त हनुमान के दरबार की, श्री राम भक्त हनुमान के दरबार की। महावीर बलि मंगल हनुमान, प्रभु मुझे क्षमा करें। वान कपि महाकाय की बल बुद्धि विद्यावान कपि। प्रभु मेरे रहते हुए आपको ऐसा कष्ट सहन करना पड़ा? नहीं हनुमान, ये तो नियति थी। रावण से पूर्व वही रावण का वध आवश्यक था ताकि संसार में ही नहीं अपितु पाताल में भी धर्म की स्थापना हो सके, और यह शुभ कार्य तुमने किया है हनुमान। इसलिए आज के बाद संसार में आप पाताल हनुमान के नाम से भी जाने जाएंगे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। राम काज में पहुंच गए राम। सेना आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, हमें चलना चाहिए। और इस प्रकार अपने बल बुद्धि और भक्ति से हनुमान जी ने अहिरावण जैसे अजय असुर का भी अंत कर दिया। धन्य है हनुमान जी और धन्य है उनकी अद्भुत लीला। उसके उपरांत क्या हुआ प्रभु? ऋषिवर, रावण के पास और कोई विकल्प नहीं बचा। अधर्मी रावण को प्रभु श्री राम के समक्ष युद्ध के लिए आना ही पड़ा। जय हनुमान संकट मोचन नाम तिहारो, सिर्फ दंगल टीवी पर।